हेलो गाइस, वेलकम टू बैकग्राउंड सीन एंड माय लाइफ यूट्यूब चैनल पर एक और न्यू ब्लॉग में। जैसे गाइस आपको बताना चाहूँगा, आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत बड़ा पंडाल है और गाइस अंदर से यह बहुत अच्छा सजाया गया है। तो गाइस बताना चाहूँगा कि यहाँ पे विवाह हो रहा है और विवाह किस व्यक्ति का हो रहा है और ये कहाँ पर हो रहा है, तो बताना चाहूँगा गाइस ग्राम सरईकापा जिला शहडोल मध्य प्रदेश में जैतपुर विधानसभा के विधायक जी माननीय जयसिंह मरावी जी के पुत्री की विवाह यहाँ पे संपन्न हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पंडाल लगा हुआ है और गाइस बताना चाहूँगा यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अधिकारी एसपी डीएसपी वगैरह जितने भी अधिकारी हैं शहडोल डिस्ट्रिक्ट के और भी अदर डिस्ट्रिक्ट के वह सब उपलब्ध हैं। और गाइस बताना चाहूँगा यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और पीछे बैक साइड में दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और यहाँ से गाइस करीबन एक किलोमीटर तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, फोर व्हीलर का लाइन लगा हुआ है गाइस। तो चलिए गाइस वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको दिखाने वाला हूँ जैतपुर विधानसभा के विधायक माननीय जयसिंह मरावी की सुपुत्री का बिटिया का विवाह हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं पंडाल, तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे किस प्रकार उनका विवाह होता है और पंडाल को कैसा सजाया गया है और क्या क्या खाने की व्यवस्था बनाया गया है, कितना पब्लिक यहाँ पे आए हैं। तो गाइस बताना चाहूँगा बहुत अधिक मात्रा में पब्लिक आए हैं, जितना यहाँ पे पंडाल सजाया गया है उससे भी ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक उपस्थित है। तो गाइस ब्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो में देखते रहिएगा और अभी आपको मज़ा आने वाला है। चलिए मिलते हैं, लेट्स गो। देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिक जो है बहुत अधिक मात्रा में दिखाई दे रहे हैं, ठीक आ गए। और आप देख सकते हैं गाइस इस प्रकार बहुत अच्छा सजावट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। गाइस यहाँ पे जो है बहुत अच्छा सजावट सजाया गया है और आप देख सकते हैं प्रवेश द्वार है और आपको ये दिखाना चाहूँगा इस प्रकार कुछ यहाँ पे सजावट है, यहाँ से आने का रास्ता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर प्रवेश का द्वार है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और गाइस बताना चाहूँगा बहुत अच्छा सजावट है मानना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार विधायक जी हैं उस प्रकार यहाँ पे सजावट भी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक दिखाई दे रहे होंगे, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार। और बताना चाहूँगा इस यहाँ आप पीछे देख सकते हैं माननीय विधायक जी का जो घर है कुछ इस प्रकार सजाया गया है और ये देख सकते हैं बहुत अच्छा इस प्रकार घर को चारों तरफ से लाइटों से सजा दिया गया है और पब्लिक देख सकते हैं बहुत अधिक मात्रा में पब्लिक है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार। और आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे पानी द्वार पूजा चल रहा है और वहाँ पे देख सकते हैं हमारे विधायक महोदय जी बैठे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस
दूल्हे राजा का यहाँ पे पूजा पाठ के द्वारा जो यहाँ इनका परंपरा है उसके द्वारा संपन्न किया जाएगा। और आप देख सकते हैं माताएं बहनें कितने अधिक जनसंख्या में बैठे हैं कुछ इस प्रकार। देख सकते हैं द्वार पूजा चलता हुआ। ये हमारे माननीय जयसिंह मुनाबी जी हैं और यहाँ पे द्वार पूजा चलता हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस जो मुख्य अतिथि आए थे उनका यहाँ पे बैठने की व्यवस्था बनाया गया है। इस प्रकार देख सकते हैं मालों से स्वागत किया गया है और पूरे पंडाल को मस्त सजाया गया है गाइस। मुख्य अतिथियों को मस्त स्वागत किया गया है और आप देख सकते हैं इस प्रकार आप पढ़ के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे माननीय जयसिंह मुनाबी है और उनके परिवार फैमिली सदस्य हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ दूल्हा दुल्हन का सीन आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा सुंदरता फोटो यहाँ पे लगाया गया, बहुत अच्छा दोनों का जोड़ी है। और गाइस बताना चाहूँगा आप एक बार फिर से दिखाता हूँ यहाँ पे माननीय जयसिंह मुनाबी जी का मकान है, घर है और वहाँ पे भी द्वार चार चल रहा है। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे गाइस कुछ मनोरंजन का कार साउंड सिस्टम रखा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दूल्हा दुल्हन का स्टेज सजाया गया है बहुत मस्त है गाइस। चलिए मैं आपको बैक कैमरा से दिखाने वाला हूँ। और गाइस यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं भोजन की व्यवस्था बनाया गया है, बहुत अच्छा बहुत बड़ा पंडाल है गाइस। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि दूल्हा दुल्हन का जो स्टेज है वो किस प्रकार है और साउंड सिस्टम यहाँ पे चल रहा है उसके बारे में आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार और ये देख सकते हैं बहुत अच्छा सजाया गया है गाइस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक जो है बहुत अच्छा देख सकते हैं कितने माताएं बहनें बैठी हुई हैं सब। अभी वहाँ पे साउंड सिस्टम चल रहा है, गाना चल रहा है, उसका आनंद ले रहे हैं। और देख सकते हैं गाइस यहाँ पे माताएं बहनें बैठी हैं और बहुत यहाँ पे साउंड सिस्टम का आनंद ले रही हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा सजावट है, यह लाइट का लुक ही कुछ और होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ भाई लोग बैठे और गाइस हेलो दोस्तों। अब आप देख सकते हैं ये हमारे भाई लोग हैं, कहते हैं हम आपके सब्सक्राइबर हैं तो हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हमारा वीडियो देखते हैं। और आप देख सकते हैं भाई लोग हैं और हमारे मुझे बोलते हैं कि हमारा भी एक ब्लॉग बना दीजिएगा, कुछ इनका काम है तो ज़रूर बनाएंगे गाइस। हम अपना सब्सक्राइबर को ज़रूर मदद करेंगे। बहुत बड़ा पंडाल यहाँ पे सजाया गया है कुछ इस प्रकार। और गाइस यहाँ पे सबसे खास चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ से देख सकते हैं ये एरिया से लेके
पूरे वहाँ तक लास्ट तक गया गाइस, फिर उस लास्ट से फिर यहाँ से ऐसा आया है, और फिर इसके बाद गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं इतना एरिया में खाने की व्यवस्था बनाया गया है। तो क्या पता गाइस यहाँ पे कितने वैरायटी भोजन की व्यवस्था बनाया गया है, आप खाते खाते थक जाएंगे, आपका पेट भर जाएगा, फिर भी यहाँ का खाने का जो पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरा आइटम आप नहीं खा पाएंगे, इतना व्यवस्था बनाया गया है गाइस खाने के लिए। और ये भाई लोग हैं कब से बोल रहे हैं कि हम आपके सब्सक्राइबर हैं, तो सभी को मैं हेलो करता हूँ कि देख सकते हैं ये हमारे सब्सक्राइबर लोग हैं, और ये बोलते हैं कि हम तो आप लोगों के वीडियो देखते हैं। तो भाई लोग खाना खाए हो तो कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा खाना बना, सबसे बेस्ट रहा, इतनी सारा वैरायटी खा के हम क्या क्या खाए, सबसे बेस्ट डिश। तो आपको मेरा अंदाजा है, अभी तो मैं खाया नहीं हूँ, मेरा अंदाजा है कि अभी तक आप पूरा वैरायटी ने खाए होंगे, खाए हैं क्या? चार बार घूम लिए हैं, पता ही नहीं चल रहा कौन सा वैरायटी कहाँ पे, ऐसा इतना भीड़ है यहाँ। तो गाइस बताना चाहूंगा हमारे जयपुर विधानसभा के विधायक जयसिंह मरावी का बेटी का विवाह हो रहा है, और आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार बहुत अच्छा सजावट है गाइस, अभी बहुत अच्छा बनाया गया, रंग बिरंगे लाइटें लगा हुआ है। और ये हमारे भाई लोग क्या बोल रहे हैं, क्या मजा आ गया आप लोगों को, संख्या कितनी है, 20,000 लोग आए यहाँ, 20,000 लोग। तो गाइस देख सकते हैं भाई लोग बता रहे हैं कम से कम 20,000 पब्लिक यहाँ पे आए हैं, और आप वीडियो में देख के अंदाजा लगा ही सकते हैं, लगातार आ रहे हैं और जा रहे हैं। दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार लाइन से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2-3 वैरायटी के चावल है, दाल है, और आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार, और यहाँ पे कुछ सब्जियाँ वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, यहाँ कई प्रकार के सब्जी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अरे भाई देख सकते हो, अरे मटर सब्जी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ पनीर वगैरह आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे भाई लोग जो है भोजन का आनंद ले रहे हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे और बहुत सारे पब्लिक हैं गाइस, जिनका तो नाम मैं नहीं जानता हूँ, बहुत खुशी बना रहे हैं, भोजन का लुत्फ़ उठा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कई प्रकार के चावल राइस वगैरह अलग अलग वैरायटी के देखने के लिए मिलेंगे आपको, बहुत अच्छा व्यवस्था बनाया गया है गाइस, आप देख सकते हैं फैमिली के लिए बैठक की व्यवस्था बनाया गया है कुछ इस प्रकार, यहाँ पर फैमिली मेम्बर जो है बैठ कर भोजन का लुत्फ़ उठाएँगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर, और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे पंडाल दूसरा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सजावट है, और यहाँ पे फैमिली मेम्बर के लिए खाने की व्यवस्था बनाया गया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई साहब लोग जो है खाने का लुत्फ़ उठा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ फैमिली मेम्बरों के लिए अच्छा व्यवस्था बनाया गया है, और यहाँ पे दो पार्टी की व्यवस्था बनाया गया, एक उधर है गाइस पंडाल और एक यहाँ पे है। तो चलिए गाइस यहाँ का मैं आपको सीन दिखाने वाला हूँ, बहुत अच्छा यहाँ पे व्यवस्था बनाया गया है माननीय अपने जयपुर विधानसभा के जयसिंह मरावी जी के द्वारा, देख सकते हैं गाइस यहाँ पे उनके बेस्ट जो अतिथिगण यहाँ पे बैठे हुए हैं, और आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे फैमिली के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था बनाया गया है कुछ इस प्रकार। तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे फैमिली मेम्बर जो एकत्रित हुए हैं, और उनके जो गेस्ट भी हैं, तो गाइस आप देख सकते हैं बहुत अच्छा पंडाल, बहुत अच्छा व्यवस्था बनाया गया है, और यहाँ पे फैमिली मेम्बर पूरे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। तो चलिए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं अपने माननीय जयसिंह मरावी जी के बारे में। तो सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, तो थोड़ा बता सकते हैं कि जैसे सर आप माननीय जयसिंह मरावी जी के यहाँ आप आए, और माननीय जयसिंह मरावी जी का जो बिटिया का विवाह हो रहा है, तो आपको कैसा लगा सर यहाँ का व्यवस्था वगैरह? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, और हमें इतनी भीड़ के बावजूद भी ऐसा नहीं लगा कि कोई जगह कम है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ की गई हैं, बहुत ही अच्छी डिश है। अभी हमने फुल्की खा का आनंद लिया, अब इसके बाद डोसे का आनंद लेंगे। जी जी, हमारे जिले के महामंत्री भारतीय जनता पार्टी दीपक भैया जी यहाँ उपस्थित हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रियम त्रिपाठी जी, हमारे भाई हमारे अनुप भैया और गोविंद तिवारी जी, ऐसे हमारे सब भाई ईश्वर मरावी जी, हमको भी बहुत अच्छा लगा। तो चलिए गाइस वीडियो में बने रहिएगा, और ये आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के बहुत बड़े बड़े जो अधिकारी कर्मचारी जो आए हैं, और बताना चाहूँगा माननीय जी का इतना आप जानते होंगे विधायक जी का कितना पकड़ रहता है। तो चलिए गाइस वीडियो में बने रहिएगा, और भी बहुत अच्छा सीन आपको दिखाने वाला जी है। इनका तो नाम हम नहीं जानते हैं, फिर भी इनसे आप जयसिंह मरावी की बिटिया के बारे में कुछ चर्चाएँ भी कर लेते हैं भोजन के साथ साथ। तो सर आपका नाम जान सकते हैं? जी मैं दीप नारायण उर्मलिया हूँ। जी जी, मंडल मंत्री भाजपा कुतमा ग्रामीण जिला अनूपपुर। जी जी जी, धन्यवाद सर। और सर यहाँ पे विवाह का आप आए हुए तो देखे होंगे कैसा व्यवस्था है, तो बहुत अच्छा व्यवस्था है कैसा सर? एक नंबर की व्यवस्था है। जी जी, तो माननीय विधायक जी जी द्वारा बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है। जी जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा व्यवस्था, अभी तक सरई कापा में ऐसा कहीं पे भी मैं ऐसा व्यवस्था नहीं देखा हूँ। अच्छा, माननीय जी जयसिंह मरावी जी के द्वारा इनका जो व्यवस्था है विवाह संपन्न जिस प्रकार हो रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर, हम भी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है सर, आराम से आप खाना खाइए, हमारे
जी जी, दो बार के विधायक भी रह चुके हैं। जी 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 जी, जैतपुर के विधायक अभी वर्तमान में है। जी जी जी, जयसिंह नगर के एक बार रह चुके हैं। जी जी जी, हमारे गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है। जी जी जी, है ना। जी जी, अभी मंत्री हैं वो तो। जी जी जी, दिलीप जायसवाल जी। जी जी जी, कोतमा विधानसभा। जी जी जी, ठीक है सर, ऐसे हम आपको भी धन्यवाद देते हैं, माननीय मरावी जी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बहुत अच्छा व्यवस्था बनाए हैं। ओके, चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।